भाई चेतन नहीं होता ना, कसम से लग जाती लंका। उस दिन मैं बोल रहा था, आज मैं अकेले में भी बोल रहा हूँ भाई, लंका लग जाती मेरी कसम से। इतना ढेर सारा काम हम लोगों ने साथ में करवाया है ना भैया, नहीं अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है? मतलब बहुत भागा दौड़ी, थकान हो चुकी है, बट लिटरली बहुत सही लग रहा है। ये पूरा फ्लैट सेट हो रहा है। 1:30 से 2 बजे तक मेरे को ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे जॉब्स होती है जो मेरे को ट्रिगर करनी होती है। अगर मैं नहीं पहुंचता हूँ तो वो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को। सारा सामान ना सेट करना है, अभी भी बचा हुआ है। और मैं ये हैंगर लेके आया बेसिकली, वहाँ विशाल मेगा मार्ट में ना सामान बहुत सही मिल जाता है, और ये पैक फालतू का दबता नहीं है। जैसे ना होटल होटल में क्या होता है भैया, कैसे लेटे एकदम दब गया, ठीक है? तो हाँ गुरु, क्या हाल चाल है सबके, स्वागत है नए व्लॉग में। आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव कोशिश करूंगा देने का, बिकॉज कई ढेर सारे ऑफर्स वगैरह में मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं बताऊंगा, और चीज़ें दिखाऊंगा भी कि हाँ मैंने क्या क्या चीज़ ले ली, क्या क्या चीज़ आने वाली है। और अभी कुछ बज रहे हैं, मैं दिखा दूँ, आज है वैसे मंडे, मंडे है, और अभी देख लो 9:06 हो रहे हैं, 9:06 हो रहे हैं। असल में इतने बजे तक मैंने सारा अपना वीडियोज़ वगैरह सब कुछ शूट कर लिया है। मतलब अभी मैं जल्दी आ गया था, जल्दी उठ के पीजी से यहीं पर आ गया, और सारा सामान भी यहाँ पे, मतलब अपना देखो अपना डेस्क वहां सेटअप कर लिया है, वहीं मेरे वीडियो आज शूट किए। ये सब तामझाम इधर जो रखा हुआ कूड़ा कबाड़ ना, वो सब मैं बताऊंगा किस चीज का है, कहां से आया, वो सारी चीजें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो वीडियो को लाइक कर दो यार, स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक कर दो, नहीं किया है तो टैप करो लाइक पे प्लीज, ठीक है? कमेंट जरूर करना, अगले आगे की वीडियोस कैसे लगी, पहले की वीडियोस कैसे लगी आपको, वो कमेंट करके बताना। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर मजा आएगा तो मज़ा करके बता देना क्या भैया मज़ा आया, ठीक है? मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोला था तो आपने कमेंट करके बताया मेरे को, अच्छा लगा, ठीक है? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई ये फ्लैट है, और ये सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं अभी भी, ये मेरे को सेटल अप करनी है। मैं जल्दी से जल्दी सेटल अप करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। और ये किचन है बेसिकली, ये प्रॉपर, ठीक है? पहली चीज़ तो ये देखो, ये फ्रिज मैंने ले लिया है, दैट इज़ ये वाला फ्रिज, और प्रॉपर अभी इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक दो चीज़ें रखी हुई हैं और जो चल रहा है चल रहा है, ठीक है? इस फ्रिज की खासियत क्या है ना कि भाई ये मेरे को बहुत सस्ती पड़ी, सस्ती मेरे को मतलब ये कुछ थी 17,000 रुपये की, मतलब ये कुछ थी 17,000 रुपये की। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यही वाली फ्रिज है सेम, ये उस समय थी 17,990 की, अभी 16,490 दिखा रहा है, अब उस समय थी 17,990, ठीक है? और ये मेरे को कितने की पड़ी देखो, यहाँ पे देखो मैं अपने ऑर्डर्स में जाके दिखाता हूँ, 13,000 रुपये की, ठीक है? 13,000 रुपये की, मात्र 13,000 रुपये की पड़ी। कैसे पड़ी, क्या पड़ी, वो मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ ना, मैंने ना मेरे दोस्त के पास एक ना एक्सिस का क्रेडिट कार्ड था, ठीक है? तो एक्सिस का क्रेडिट कार्ड पे प्लस क्रेडिट कार्ड पे 3,000 रुपये ऑफ हो गए, सीधा सीधा 3,000 रुपये ऑफ हो गए, तो वो पर था। और दूसरी चीज़ आज क्या आने वाली है, आज आने वाला है ये बेड आने वाला है। बेसिकली मैंने बेड भी ऑर्डर कर दिया है, वेकफिट का ऑर्डर किया, वेकफिट का सिस्टम अच्छा है। मैं से जैसे दिखाऊँ, ये वाला वेकफिट का बेड आज ही आने वाला है, वो मेरे को मैसेज आ चुका है, एंड मैंने वो भी ले लिया है। दैट इज़ ये देखो, यहाँ पे ये मैट्रेस आ चुका है, ये पेपरीफाई का मैट्रेस है। ये मैंने किससे लिया, ये मैंने लिया असल में, तो इधर कूड़ा कवाड़ा भी इग्नोर करना, यहाँ पे अभी चीज़ें सेटल अप नहीं की हैं, ठीक है? बस ला के रख दिया है। इसका भी मैं टाइम लैप्स भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे आया था, कैसे कैसे खोला इसको, बिकॉज अकेले मैंने सब कुछ अकेले किया है। और ये गद्दा अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये गद्दा बेसिकली मेरे को कितने का पड़ा, इस गद्दे का रेट भी बता देता हूँ। हाँ भाई कितने का पड़ा, क्या हिसाब पड़ा, बेसिकली लाइट के नीचे आ जाते हैं, लाइट के नीचे वीडियो सही आएगी। ये गद्दा मेरे को अगर मैं आपको दिखा दूँ अपने ऑर्डर्स में जाके, बेसिकली कल ही आया है, और ये गद्दा मेरे को पड़ा कुछ ये देख लो, ये भाई ये वाला है पेपरीफाई का है ये बेसिकली, और गद्दा अच्छा है, मैंने लेट वेट के चेक कर लिया है, कोई दूध के चेक कर लिया है कैसा है। ये मेरे को पड़ा कुछ 8,000 रुपये, मतलब 8,000 रुपये का ऑफ ऑफ लगा के, ऑफर्स वगैरह लगा के कुछ 8,000 रुपये का पड़ गया, ठीक है? और ये बेसिकली ऐसा है कि अभी मैंने पन्नी उन्नी नहीं उतारी, तो आप लोग टाइम लैप्स देखो पहले इसका, कैसे कैसे मैंने इसको खोला है, कैसे अकेले सारा कुछ किया है, वो देखो पहले आप लोग। तो हाँ गुरु, आज संडे सैटरडे को हम लोग गए थे, और ये गद्दा आ चुका है, ये पूरा इधर दिख रहा है ना। अभी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, बिकॉज कैमरा मैंने रूम पे ही छोड़ दिया, अचानक से डिलीवरी आ गई, मैंने कहा एक बार दिखा देते हैं और देख भी लेते हैं। तो ये गद्दा, इसको अभी हम लोग खोलते हैं, क्या सिस्टम है, कैसा है। ये बेसिकली गद्दा है, मैट्रेस है जिसको कहते हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा है, इसको खोलते हैं, क्वीन साइज है, खोलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, कहीं सेट करते हैं मोबाइल और सारा कुछ आपको दिखाते हैं। We'll be right back.
मेहनत लग गई पूरा गद्दा निकालने में, अकेले मैंने किया जैसे आपने देखा, हाथ वाथ सब कुछ गंदे हो चुके हैं, रूम अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, देख रहे हो ना, रूम अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी गद्दा सेट करना है, बेड भी आने वाला है, क्वीन साइज गद्दा है बेसिकली, और इस पे अगर बैठूँ ना, मतलब अभी प्लास्टिक तो नहीं निकाला है बट अगर बैठूँ ना तो मतलब ऐसा है नॉर्मल अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें लेटने वेटने में अच्छा लग रहा है, गद्दा सही है, गद्दा अच्छा है, बिकॉज ये कुछ ऐसा सिस्टम मतलब होता है ना जो होटल वगैरह में क्या होता है कि भैया होटल में ऐसा गद्दा रहेगा कि क्या कहते हैं जैसे दब जाता है पूरा, या पीठ दर्द होने लगे, जैसे मेरे पीजी में वैसे ही गद्दा था, पीठ दर्द होने लगती थी, ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये मेमोरी फोम है बेसिकली, इसमें क्या होता है ना इतना ज़्यादा दबता भी नहीं है, जैसे हम लोग का रुई वाला सिस्टम होता था ना, रुई वाला, जैसे हम लोग घर वर पे रुई वाला गद्दा यूज़ करते हैं वैसा कुछ होता है, ठीक है, पता नहीं क्या सिस्टम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये चीज़ बढ़िया होता है, मतलब ऐसे है कि हाँ यहाँ कूद रहे वहाँ पे हिलेगा नहीं, ऐसा है, मतलब सिस्टम अच्छा है इसका और कंफर्टेबल भी लग रहा है, तो बढ़िया गद्दा है जैसे लिटरली, और रेंज वगैरह भी सही पड़ा, पेपरीफाई का है ये बेसिकली, वेकफिट का भी आता है, पेपरीफाई का भी आता है, स्लीप पैक्स बहुत ढेर सारे ब्रांड्स हैं आजकल, तो कर्लॉन वगैरह तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा, वो 30-30 हज़ार रुपये तक पहुँच जाता है ये इस टाइप का गद्दा, और ये मेरे को कुछ 8 हज़ार रुपये में पूरा मिल गया, बेड भी मेरे को मिल गया ऐसे ही कुछ, तो बेटर है, ठीक है, सेटलमेंट के लिए एक बार में सेटल कर लिया, सेकंड हैंड लेते फिर प्रॉब्लम होती, फिर सोचते कि हाँ भाई कोई और सोया होगा ये न वो, अभी नया आ गया पेटी पैक, अब सही है, ठीक है, तो अभी हम लोग ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं, बिकॉज आज संडे तो है बट वर्किंग है आज, ठीक है, तो निकलेंगे, इसको सेट कर लिया, अब बेड आएगा तो बेड के ऊपर से सेट करके सारा कुछ कर देंगे, तो चलो चलते हैं फिर, आपको आगे सारा सिस्टम जो भी होगा वो सारा ऐसे ही एक एक करके दिखाते रहेंगे, चलो दिखाते हैं जो होता है दिन भर में बताएंगे, चलो। अब देखो भैया एक चीज़ और गलत क्या हुई ना मेरे साथ, मैंने अपना लैपटॉप कल कल से मेरे को ना एक प्रॉब्लम लगी लैपटॉप में, क्या लगी, जब मैं शिफ्ट कर रहा था ना, पता नहीं क्या हुआ, मतलब आज ही लेके आया, कल भी ये प्रॉब्लम लग रही थी मेरे को, क्या लगा कि भैया ये लैपटॉप है ना, अब देखो ये ना मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, अभी देखो इसका आवाज़ सुनो, सुनाई दे रहा है ये, बेसिकली इसके फैन की आवाज़ है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें मोड्स होते हैं, जैसे मेरा गेमिंग लैपटॉप है बेसिकली, तो इसमें मोड्स होते हैं कि भाई आप पंखा डुअल पंखा है तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ओवर बूस्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर बैलेंस कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो, तो मैं साइलेंट करके यूज़ करता था कि भाई साइलेंट करके यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल, ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग कर रहे हैं तो वो ओवर बूस्ट कर देते थे, बट ये साइलेंट पे भी वो आवाज़ कर रहा है, और जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना खड़खड़ पता नहीं क्या आवाज़ आती है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा इशू लग रहा है, अब यार एक तो टाइम का इशूज़ हो जाता है, ठीक है, अब इसको बनवाने ले जाना पड़ेगा आसुस के सर्विस सेंटर, यहाँ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर है, तो वो खोजो उसके बाद वहाँ पे बनाओ, ये थोड़ा सा इशू हो गया, यही एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट यहाँ पे वीडियो शूट की थोड़ा सा उसमें अभी भी आपको वो लग रहा होगा, लेकिन पहले से आपको कम क्या कहते हैं जो वो हो रहा था, दैट इज़ एक्को, वो कम हो रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट वन। अब देखो यहाँ पे देखो ये छोटा सा है ना, ये अपना कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, अभी किचन में ही रेजर भी रखे हैं, किचन में ही ये भी रखे, नेल कटर भी, सब कुछ किचन में रखा हुआ है अभी फिलहाल, ये सारी चीज़ सेटल अप करनी है अभी, और यहाँ पे एक और लाइट, तो हाँ गुरु अभी बज चुके हैं कुछ 10:08, देख सकते हो ना, एडिटिंग में इन सब चीज़ में थोड़ा टाइम लग गया, और ये देखो अभी एडिटिंग वेडिटिंग करके अभी लैपटॉप बंद किया तब जाके शांति लग रही है थोड़ी, ठीक है, और क्या नाम है, सीन क्या है ना कि अभी मेरे को निकलना है कुछ विशाल मेगा मार्ट के लिए, बिकॉज कर्टेंस लेने हैं, ये देखो यहाँ पे ये पूरा ये खिड़की हो गई, इसके लिए कर्टेंस ये लगा हुआ है प्रॉपर, ये अपना लगा हुआ है, इसकी टेंशन नहीं है, दूसरी चीज़ सेम रूम में भी है, रूम के लिए भी कर्टेंस लेने हैं, मेरे को लग रहा है इसमें 2 कर्टेंस लगेंगे और इस वाले बाथरूम सॉरी इसमें बालकनी में 3 कर्टेंस लगने वाले हैं, तो विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, वहाँ पर सुना है अच्छा और सस्ते मिल जाता है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो मोटा कर्टेन लेना है ताकि आर पार वो रोशनी ना आए, ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे, देखते हैं चलते हैं, शायद मैं अब वो वाला नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा बिकॉज टाइम बहुत कम है मेरे पास, बस 1 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे हैं, मेरे को जाके वापस भी आना है, बाल्टी वगैरह भी लेनी है, डस्टबिन भी लेना है, बहुत चीज़ें लेनी है, बिकॉज कल मैं प्रॉपर यहीं मतलब आज रात में यहीं पे सोने वाला हूँ, तो सुबह उठ के यहीं पे नहा दूंगा, सारा कुछ यहीं करूँगा, तो वो सारा चीज़ सेटल अप करना पड़ेगा, तो ठीक है यही सारा सीन है, अभी मैं हॉस्टल जाऊँगा मतलब अपने पीजी जाऊँगा, पीजी से जितना भी सामान है, ठीक है, अपना ब्लैंक कंफर्टर हो गया है, वो सारी चीज़ मोड़ मार के रख देंगे, फिर चेतन को ले जाएंगे, चेतन के साथ हम लोग जाने वाले हैं, चेतन भी जाने वाला है साथ में ही, भाई चेतन नहीं होता ना कसम से लग जाती लंका, उस दिन भी मैं बोल रहा था, आज मैं अकेले में भी बोल रहा हूँ, भाई लंका लग जाती मेरी कसम से, इतना ढेर सारा काम हम लोगों ने साथ में करवाया है ना भैया, नहीं होता ना लग जाती सही में, तो भैया ठीक है ठीक है, यही सारा सीन है, चलते हैं अभी निकलते हैं, और जो जो सामान लेके आएंगे वो तो दिखा देंगे, भाई ये सामान लेके आया हूँ, बर्तन वगैरह 2-4 जो लेने हैं वो बाद में लेंगे, मेन मेन बर्तन है जैसे
अभी फ्राइंग पैन वगैरह है तो उसमें कुछ बनाना होगा तो छोटा मोटा बना सकते हैं। अभी एक हफ्ता तो सेटल करने में, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन सेटल करने में लग जाएगा, तो सेटल करेंगे, थोड़ा सेटल होंगे उसके बाद बताएंगे। चलो अभी निकलते हैं, और फिर टाइम अभी नहीं है इस वजह से जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, चलते हैं, समझना प्लीज़। अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी में वीडियो में बना रहे, प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़। तो चलते हैं, अभी दिखाएंगे सारा कुछ। 1 hour later तो हाँ गुरु, ये सारा सामान हम लोग लेके आ चुके हैं। मतलब ये वाला सीन है, ये मैं उसी समय लेके आ गया था, मतलब कुछ 11:30 के आसपास हो रहे थे, पहुंच गए थे। फिर अभी देखो 12:50 आ रहे हैं, मैं चला गया था ऑफिस, वापस आना पड़ा। ठीक है, वापस क्यों आना पड़ा, एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं जब एकदम पहुँच गया तब फ़ोन आता है, बेड मैंने मंगाया था वेकफिट का, उसका फ़ोन आता है, बिकॉज़ वो लोग इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करके जाते हैं। और आज मेरे को शिफ्ट होना है, रात में मेरे को यहीं पर सोना है, बिकॉज़ वहाँ पर सारा सामान मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, मतलब 2-4 सामान है बस, वो लेके रात में आ जाऊँगा। तो बेसिकली इस वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। वो लोग मतलब इतना भागा दौड़ी हो रही है, लिटरली इतना ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, इतनी गर्मी, पूरा शर्ट गीला हो चुका है। ठीक है, ये पूरा पीछे, ये पीछे होता है ना, पीछे साइड, पीठ साइड पूरा सब गीला हो चुका है, इतना ज़्यादा फिर से चेंज करके जाना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्या क्या सामान मैंने लाया वाया है, इसमें है, बैग में है, वो सारी चीज़ें हैं, छुटपुट सामान है, मेन मेन सामान जो डेली ज़रूरत पड़ती है वही सब है, डस्टबिन वगैरह हो गया, बाल्टी वगैरह हो गई, तो दिखाएंगे अभी। और विशाल मेगा मार्ट में लिटरली बहुत सही डील पड़ी, सस्ता पड़ता है, और कर्टन वगैरह भी विशाल मेगा मार्ट से ही लेंगे, अभी मैंने लिया नहीं है, वहाँ पर था नहीं, दूसरे ब्रांच में जाके देखेंगे। तो अभी वो भैया आएंगे वेकफिट वाले, बस आने ही वाले, उन्होंने फोन कर दिया, अभी तक वो आए नहीं। ठीक है, तो फिर मेरे को 1:30 बजे तक पहुंचना ही है, लाइक 1:30 बजे 2 बजे तक मेरे को ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे जॉब्स होती है जो मेरे को ट्रिगर करनी होती है, अगर मैं नहीं पहुंचता हूं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को, मैं 10 बजे 11 बजे तक फिर रात में बैठा रह जाऊंगा। ठीक है, नॉर्मली 10 तो डेली बज जा रहे हैं, 11 12 बज सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो चलो अभी वेट करते हैं, वो भैया आने वाले हैं, बेड बेड सेट करेंगे तो भी आपको दिखाएंगे। बहुत नहीं अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है, मतलब बहुत भागा दौड़ी, थकान हो चुकी है, बट लिटरली बहुत सही लग रहा है, ये पूरा फ्लैट सेट हो रहा है, बट ठीक है, चलो मैंने कहा था ना आपको दिखाऊंगा, तो किसी भी हालत में आपको दिखाऊंगा। तो लाइक कर देना यार, सपोर्ट बनाए रखना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो अभी आने वाले हैं, शायद दिखाते हैं सब कुछ। तो अभी भैया लोग आ गए हैं, सेटिंग वेटिंग पूरा कर रहे हैं, अपना बेड वेड लगा रहे हैं पूरा, ऐसे सर्विस अच्छी है वेकफिट की। मतलब मैंने परसों बुक किया था बेड और आज आ चुका है, और अभी वो लोग सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, तो वो सेटिंग कर लेंगे। इधर लाइट, इधर से ना असल में खिड़की है तो लाइट अच्छी आती है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है। तो ये सारा सीन है, ये अभी बेड सेट हो रहा है, रात में बेड पे सोया जाएगा, दिखाया जाएगा पूरा सेट जब हो जाएगा। ठीक है, अभी वो लोग सेट कर रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के आसपास बोल रहे थे, बट वो जल्दी ही कर देंगे, मेरे को पता है जितना स्पीड से कर रहे हैं। तो चलो जैसे होगा मैं दिखाऊंगा, बताऊँगा आपको। तो हाँ गुरु, आप लोग सोच रहे होगे भैया इनका बाल वाल कैसे कट गया है इसका। तो पहली बात, एक चीज़ बताऊँ, आज है 2 तारीख, 2 तारीख मतलब 2nd of March है, कल शिवरात्रि थी, परसों मैंने वाली वीडियो बनाई थी जब बेड वेड लग रहा था, वो वीडियो उस दिन बनी थी। ठीक है, उसके बाद टाइम का बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गया, उसके बाद फिर कल शिवरात्रि, कल मेरा व्रत था, निराजल उपवास था बेसिकली, तो इस वजह से मैं खावा नहीं पाया कुछ, उससे ताकत थोड़ी सी वो हो गई थी, थोड़ा हालत थोड़ा ख़राब था शाम तक। ठीक है, उसके बाद ये देखो अभी यहाँ पे देखो ये काम वाम हो रहा है, और ये लैपटॉप की आवाज़, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अलग ही आवाज़ कर रहा है। ठीक है, ये अभी इसका फ़ैन चल ही रहा है, मतलब वैसा ही है, अभी आज इसको सोच रहा बनवाने के लिए। दूसरी चीज़ है, देखो पर्दा लग चुका है, जो सारा अपडेट है मैं बताने वाला हूँ, ये देखो मस्त लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। और ये मेरे को ये सारा सामान ना सेट करना है, अभी भी बचा हुआ है। और मैंने विशाल मेगा मार्ट से बेसिकली क्या लिया था, ये 2 बाल्टी ली थी, एक मैंने वॉशरूम में रख दिया है, और ये साफ टॉयलेट वॉयलेट साफ़ करने वाला, ये एक्स्ट्रा टावल वगैरह हो गए, उसके बाद फिर ये किचन टावल हो गया, उसके बाद फिर ये डस्टबिन हो गया, डस्टबिन लिया मैंने, डस्टबिन के अंदर भी काफ़ी सामान है,
जो सारी चीज़ मैंने ली थी, बेसिकली जो नीड्स डेली नीड्स होते हैं, ऐसे ये मॉप है, ये किचन मॉप होता है बेसिकली, मतलब स्पंज टाइप का होता है, दूसरा ये कूड़ा उठाने वाला, ये बेसिन साफ करने वाला, उसके बाद ये स्कॉच ब्राइट, उसके बाद फिर इधर मैट वगैरह लिया, एक तो मैंने एक दो मैंने बिछा दी, एक रूम के बाहर बिछाया और एक घर के बाहर, ठीक है। तो ये देखो ये मैट लिया, ये एक बेड के नीचे लगाएंगे। उसके बाद एक हैंगर लेके आया था, ये वाला, ठीक है, ये हैंगर लेके आया बेसिकली। वहाँ विशाल मेगा मैट में ना सामान बहुत सही मिल जाता है, और ये पैक मिल गया जिसमें आपका डिशवॉशर है, आपका बाथरूम क्लीनर है, आपका बाथरूम वो है, मतलब जो होम क्लीनर वगैरह फर्श वर्श साफ करने वाला था। तो ये सारे सामान थे और कई सामान मैंने यूज़ कर लिए, बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। बेसिकली ना विशाल मेगा मार्ट में ना आपको ना इतना सस्ता सामान मिल जाएगा, सस्ता मतलब जैसे आप ना किसी और नॉर्मल शॉप से जाओ, वहां से अगर आपके ना 3,000 रुपये खर्चा हो रहे हैं तो विशाल मेगा मार्ट में आपका 1,000 रुपये बच ही जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सारे सामान वहीं से लेना बेटर होता है। अभी बर्तन वगैरह भी 2-4 लेने हैं तो वो भी सस्ते ही पड़ेंगे, वहीं से मैं लूंगा, सस्ते पड़ेंगे। दूसरी चीज, फ्रिज वगैरह उधर लगा हुआ तो आपने पहले देख ही लिया है, ये बेसिकली है, उस साइड फ्रिज लगा हुआ है उधर किनारे में, ठीक है, तो वो सब सेट हो चुका है, उधर सब सेट हो चुका है। किचन अभी सेट करना है, वॉशिंग, वो देख एक्वागार्ड भी लगवा लिया मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं लाइट जला के, तो ये देखो वो एक्वागार्ड लगा हुआ है, बस इससे भी ये भी मेरे को सही रेट पे मिल गया फ्लिपकार्ट से ऑफर में। दूसरी चीज मैं बेड दिखाने जा रहा था आपको, तो बेड मेन चीज है, बेड इतना सही आया ना भाई, इतना सही। इधर भी कर्टेंस मैंने लगा दिए, अभी खोला है लाइट की वजह से, ये देखो ये पूरा बेड है बेसिकली। आपने टाइम लैप्स तो देखा ही, तो ये देखो ये पूरा स्पेस मेरे को मिल गया, इधर वाला स्पेस है, इधर स्पेस है, बेड के किनारे भी स्पेस है, ठीक है। तो मैंने वही पीजी में जो बिछाता था वही वाला चादर बिछाया है, और बहुत सही, मतलब इतना सही बेड है ना, इतना सही बेड है बेड, इसके नीचे स्पेस भी है, मतलब दीवान वाला नहीं होता है, इसके नीचे दीवान सामान वामान रखने के लिए सारा सामान है, ठीक है। तो वो उसके अंदर सामान अभी मैंने रखा नहीं है, और ये गद्दा भी एक नंबर है, ठीक है। ये गद्दा ऐसा है ना भाई कि मस्त एकदम ऐसे हो जाता है, क्या नाम है, फालतू का दबता नहीं है, जैसे ना होटल होटल में क्या होता भैया कैसे लेटे एकदम दब गया, ठीक है, ऐसा गद्दा नहीं है ये तकिया। तो ये वाला तकिया मैंने कल ही इस पे गिलाफ लगा दिया बेसिकली, ऐसा है कुछ तकिया, मतलब वाइट स्ट्रिप्स वगैरह इस पे हैं, तो अच्छा है, तकिया भी बहुत सही है, कंफर्टेबल है पूरा, एकदम मस्त कंफर्टेबल है। तो दो तकिया मैं लगाता हूं, तो इस वजह से दो तकिया है, ठीक है। दूसरी चीज, अब यही सारी चीज थी, यही सारा सामान मैं लेके आया, आगे भी कुछ छोटी छोटी चीजें लेनी है, ऐसे कुछ खास नहीं। अभी टेबल वेबल तो पूरा सेट है, बाद में कभी 1-2-3 महीने बाद कुछ चीजें, ये मंदिर अभी मेरे को लटकाना है, मंदिर मेरे को इस साइड में लटकाना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यहां पे ना जैसे ये देख रहे हो ना ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना यहां पे, तो इसके ऊपर ही मंदिर लटका सकते हैं, नीचे तो लटकाएंगे नहीं, नीचे रख नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दिशा के हिसाब से ये वाला स्पेस ही सही है, ये वाला जगह ही सही है दिशा के हिसाब से। वैसे वहां भी लग सकता था, लेकिन वहां मेरे मेज कुर्सी अपनी लगा ली, इस वजह से वहां नहीं लगा सकते हैं, इस दीवार पे लगा नहीं सकते, दिशा गलत हो जाएगी। इस दिशा के हिसाब से, मतलब जो होता है ना दिशा के हिसाब से, ये वाला एरिया सबसे सही है। तो मैं सोच रहा हूं ना इतने में बेसिकली ना, अगर मैं इसके थोड़ा साइड लगा रहा हूं इतने हाइट पे, तो थोड़ा सा मंदिर बाहर साइड आ रहा है, तो वो मेरे को ठीक भी लग रहा है कि भैया, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, वो फेस के, मतलब फेस लेवल जो होता है ना, फेस लेवल के ऊपर, इतने ऊपर तक आ रहा है, तो पूजा कैसे करेगा आदमी, थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये छाती लेवल का आना चाहिए, ताकि मंदिर जो है वो फेस लेवल पे आए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो भी देखेंगे, अभी थोड़ा कुछ बनाना बनाना है, सोच रहा हूँ कुछ बनाऊं, अभी तक मैंने इसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया है, मतलब नॉर्मल पानी वानी गर्म किया है, दूध दूध गर्म किया है, बाकी उद्घाटन प्रॉपर नहीं हुआ। तो मैं आज सोच रहा हूँ भिंडी की सब्जी बनाऊं। तो चलो, अभी यही सारा सीन था, यही सारा सीन था जो मैंने आपको बता दिया। पर्दा कितना सही लग रहा है, बैकग्राउंड कितना बढ़िया आ रहा है, तो यही सारे सीन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्रॉपर जो मैंने बताई, बिकॉज प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी कि हाँ भाई क्या क्या चीज लिया, क्या क्या चीज कैसे कैसे सेटल किया, प्रॉपर जितनी चीजें अभी तक सेटल की सब कुछ दिखाया आपको। तो प्लीज यार, एक वीडियो पे लाइक जरूर बनता, नीचे आके कमेंट जरूर कर देना। और कल मैं व्रत था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, मतलब डाल नहीं पाया मेन चैनल पे, तो जिंदा है मुर्दा, मुर्दा डालना ही है वीडियो, उसमें तो डालना ही डालना है, मतलब उस पर नहीं डाली वीडियो, अगले किसी दिन वीडियो उस पर नहीं आई ना, तो ऐसा समझ लेना या तो मेरी बहुत ज्यादा तबियत खराब है, या तो, ठीक है, समझ गए ना। तो यही सारा सीन है, अभी भी वही सारा काम हो रहा है, ये काम खत्म होगा उसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे, ठीक है, और लैपटॉप भी आज बनवाना है, तो कोशिश करेंगे जल्दी सारा काम खत्म करें। तो यही सारा सीन था, वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट जरूर कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलती हैं इस पर्टिकुलर चैनल, मतलब इस पर्टिकुलर चैनल पर नहीं, मतलब आती रहती हैं, रेगुलर आ रही हैं, अब हफ्ते पे 10 दिन पे कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें डाल रहे हैं। तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करना नीचे, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, बिकॉज वो खुश तो यार दुनिया खुश। तो यही सारी चीजें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।